दैट मीन्स नो बैकअप एट ऑल, जैसा आपने बोला. और अगर प्लेयर्स एक एक करके आए तो शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी होगी कि माइक्रोबॉय बच जाए, लेकिन ऑफ एंगल से स्पॉट आउट हो जाते हैं और एक ईजी पिकअप यहाँ पे मिलेगा अल्फा सेवन की टीम को. आप बार बार वही गलती नहीं कर सकते इतने बड़े स्टेज पे, जबकि आप ऑलरेडी एक एज ए चैम्पियन, आप एक एज अ डिफेंडिंग चैम्पियन यहाँ पे खेलने के लिए आए हो. और लक्सी जक्सी और राइजन फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे, बट एक और चुनौती रहेगी बिकॉज ASL के शारी उनके बहुत ज़्यादा करीब. दैट मीन्स यहाँ पे एक थर्ड पार्टी देखने को मिल सकता है बूट कैम्प पे, जो डबल वेयरहाउस वाली, जो ट्रिपल वेयरहाउस वाली, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे जो टीम है वो उनके सामने बहुत आराम से सवाल ओके यहाँ पे. लेकिन लियोन एक्स 1 HP बचे थे, सक्सी की अगर एक और बुलेट लगती, बट इनके पास हेलमेट नहीं है तो थोड़ा सा देख के इन्हें पीक करना पड़ेगा. और उनके जो एक और टीम है जो उनके पास भी थे, उनके पास भी हेलमेट नहीं है. राइजन को यहाँ पे नॉकडाउन करा जाएगा, बहुत ही तगड़ा स्प्रे था ये M416 का, और रेड डॉट के साथ ऊपर से लेजर है, लेजर साइड से वहाँ पर उनके पास कोई अटैचमेंट भी दूसरी नहीं थी. उनके पास जाते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है, बट सामने से भी थोड़ा सा काउंटर फायर आता हुआ नजर आया. जोकर की 40% HP पे, 30% HP पे जाके वो रुके थे, बट ASL वो भी इतना इजीली नहीं जाने देंगे फाइट. जी हाँ, इतनी आसानी से तो हाथ से नहीं निकल देगा, इतनी आसानी से बच के भी नहीं निकलने देंगे. एक नॉक यहाँ पे ASL के प्लेयर्स ने निकाल लिया था अपना, लेकिन राइजन को वापस रिवाइव मिल चुका है. जक्सी ऑलरेडी पीछे फॉल बैक करते हुए हमें नजर आ रहे हैं. अब ASL के ऊपर प्रेशर इस बात का भी रहेगा कि अगर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अभी चलिए देखते हैं. नावी के मैटिक के पास एक अच्छी पोजीशन हो सकती है बेगेट्रॉन रेडेलियंस को एलिमिनेट करने के लिए. तीनों प्लेयर्स इनके सामने ही शोर लाइन पर लैंड करेंगे. और इसी के साथ पहला नॉक यहाँ पे मैटिक निकालते हुए जक्सी को नॉकडाउन कर दिया. लक्सी उनके पीछे मौजूद है और राइजन जो है वो अभी भी पानी से तैर के लैंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं. ये पिछला गेम हमने बात करी थी वो खराब गया था, लेकिन एक बार फिर से ये गेम भी बेगेट्रॉन के लिए खराब होता हुआ. Exactly the same thing, but यहाँ पे नावी का स्क्वाड अब पूरा पूरा उनके ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उनको पता है कि अब बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट थे. राइजन को भी उन्होंने स्पॉट करेगा, बट लक्सी का पीछे से थोड़ा सा कवर फायर अगर देंगे तो एक दो नॉक निकाल सकते हैं क्रूशल. बट यहाँ पे टिक्जी बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते राइजन को लैंड पे आने का, एंड सेम गोज फॉर अदर प्लेयर्स. यहाँ पे लक्सी प्रोन डाउन जरूर है, एक प्लेयर उनके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ओल्ड बॉय स्टूप क्लोज टूवर्ड्स हिम, बट अब ओल्ड बॉय के पास एक रिज जरूर है, बट उन्हें स्पॉट करना पड़ेगा लक्सी को, वरना देखो आप इतना ऊपर में जा रहे हैं ना, उनका जो क्रॉस एयर है वो लक्सी के पास भी नहीं है. सो इस मोमेंट में वो नॉक एंड फिनिश इंस्टेंट हो सकती है. देखो इतना ऊपर में लूट कर लक्सी के सामने दो प्लेयर नहीं, तीन प्लेयर एग्जैक्टली एक लाइन ऑफ फायर में नजर आ रहे हैं. ओल्ड बॉय तो बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, लक्सी क्या यहाँ पे क्लच करेगी कोशिश करके, बट यहाँ पे ओल्ड बॉय भी जरूर स्पॉट कर चुके हैं वहां पे. यहाँ पे लक्सी वो अपना बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, मात्र 20 HP में बच चुके हैं. ओल्ड बॉय के पास अब भी 20% HP है. यहाँ पे BTR का स्क्वाड वापस से एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा 16वीं पोजीशन में. मैच रीस्टार्ट हो गया, अंक यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओवरऑल स्टैंडिंग्स का 0 जो है उसी के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा. एटलीस्ट आई मीन किल्स निकाल के जाते तो बात अलग है, लेकिन किल फीड एक बार फिर से सामने आती हुई टीम सीक्रेट की तरफ से हमें एक्शन देखने को मिलता है. और 4AM एक बार बैक स्टैब होते हुए, इनकी अलग ही फाइट चल रही थी जूस के अगेन, लेकिन क्या 4AM सर्वाइव कर जाएगा? आई थिंक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचे हैं. नॉक शॉप हमको देखने को मिले, लेकिन ऊपर देखिए साकी अभी भी पत्थर के पीछे, इनफैक्ट ये ब्लोन अप कार के पीछे सर्वाइव कर रहे हैं. एक प्लेयर चार्जिंग करते हुए इनके सीधे सामने आके खड़े हो गए, शॉट फायर करने की कोशिश, नॉक यहाँ पे नहीं देखने को मिलता और 4AM उल्टा वाइप कर दी जाती है. अग्रेसिव टीम सीक्रेट जिन इस स्क्वाड को अगर ये ऐसे खेलते हैं तो रोक पाना बहुत मुश्किल है. दो प्लेयर्स नॉक हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जाके मारा इन्होंने ओपोनेंट्स को. सो टीम सीक्रेट प्रॉपर एक सैनॉक में जो बैक स्टैब होता है वो करा, एंड इसी चीज की मैं बात कर रहा था. अगर मान लो यहाँ पे ज्यूस का स्क्वाड होता वो लोग भी यहाँ पे दिक्कतों में आ सकते हैं. उसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, उनको पता आसपास फाइट है, थोड़ा सा लेट ही जाने की कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ वहाँ पे A1 Esports का स्क्वाड टॉप 11 में आके यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है. टॉप 10 की टीम्स हमारे सामने नजर आएंगी, 32 प्लेयर्स हैं. 20 मिनट और 45 सेकंड हो चुके हैं इस वाले मैच को स्टार्ट हुए और मात्र 25 सेकंड बचे हैं पांचवा जोन क्लोज इन होने के लिए. एंड उसके साथ टीम सीक्रेट का स्क्वाड, दे डोंट वांट टू लीव एनी प्लेयर अराउंड देमसेल्फ. अल्फा 7 के जो लॉ थे उनके ऊपर ग्रेनेड आया था और टेरेटेक्स था उनके ऊपर भी आया था. ये मोमेंट कैप्चर कर लीजिए, बिकॉज रेक्स ने दो ग्रेनेड फेंके और पूरा स्क्वाड सामने अल्फा 7 का खत्म कर दिया.
जी हाँ, पूरी की पूरी टीम वाइप वहां पर हमको देखने को मिली। अल्फा सेवन काफी बहुत ज्यादा लंबे समय से एक बेहतरीन पोजीशन अपने लिए उन्होंने बनाकर रखी थी, काफी अच्छे से परफॉर्म भी करते, फाइट्स भी काफी अच्छे से ली थी, लेकिन जब फाइट देने का मौका ही नहीं दिया गया तो टीम सर्वाइव कैसे करेगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरो वॉल फ्लीमैक्स सर्वाइव कर पाएगी, जिनके ऊपर अभी अग्रेशन आ रहा है पावर 888 की तरफ से। बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी वेयरहाउस वाली फाइट जरूर रहेगी। मोलोटो फेंक दे, दैट मींस उस वाली साइड से वो लोग अभी पुश नहीं कर सकते फॉर द 5 to 7 फ्रैक्शन सेकंड, बट ग्रेनेड जरूर फेंके जा रहे हैं वहां पे एयरवुल्फ के द्वारा राइट हैंड साइड पे। वापस थोड़ा स्मोक फेंकने की कोशिश करिए फॉर द ब्लाइंड स्पॉट, बट यहाँ पे कॉर्पाई लेफ्ट साइड से जो डोर था वहां पे जाने की कोशिश करेंगे, जरूर थोड़ा सा प्री फायर डालने की कोशिश करी है। एक किल ऑलरेडी कॉर्पाई ले चुका, बट वापस सामने प्लेयर थ्रोन डाउन है, क्या यहाँ पे किल निकलेगा? बट नहीं, सामने से काउंटर फायर आया, कॉर्पाई नॉक डाउन हो चुके हैं। जीवी के ऊपर पूरा ये भार नजर आएगा, हम लोगों को थोड़ा पीपर डाला जरूर है, बट वहां पे ये एक नॉक निकाला, एक और नॉक निकालते थे, बिकॉज वो 1 HP ही बचा हुआ है प्लेयर, बट यहाँ पे ये ग्रेनेड जो प्री कुक नेट जो फेंका था वहां पे 1 HP बचे थे सिर्फ एरो वुल्फ के सुपर उमर, वो भी नॉकडाउन हो चुके बिकॉज ऑफ द प्ले जोन। आखिरी प्लेयर बचे होंगे यहाँ पे अब एरो वुल्फ के, वो देखते हैं किस तरीके से इस फाइट को अंजाम देंगे। जी हाँ, स्पाउफ पीछे से आ रहे हैं अपने टीममेट्स को किसी तरह से बचाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि इस सिचुएशन के अंदर दोनों में से कौन सी टीम आगे बढ़ने वाली है। पावर ट्रिपल एट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो नोवा XQF से छीन ली जाएगी। ओ माय गॉड, RRQ वर्सेस नोवा XQF, ये फाइट भी एक अलग जगह पे चल रही थी, एंड RRQ नोवा XQF को पूरी तरह से खत्म करते हुए। अब ये देखिए इस मैच के अंदर केतन कितना ज्यादा इंटेंस माहौल है, कुनीना पावर टीम सीक्रेट सबसे ज्यादा प्लेयर है इनके पास दो, बट फर्स्ट एड देखो यहाँ पे स्पैव के पास 23 फर्स्ट एड्स है, दैट मीन्स यहाँ पे हील बैटल फॉर श्योर कर सकते हैं, बहुत टाइम तक जो कैसे कर सकते हैं बिकॉज अभी 8वां जोन है, 8वें जोन के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे पावर 888 के ट्रिपल टी देखता है किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट एड बार। इनके पास सिर्फ दो ही है, ऑल दो उनके जो ओपोनेंट है वो गोली नहीं चलाएंगे बिकॉज अगर उन्होंने गोली चलाए तो उनका फर्स्ट एड का जो हील बैटल है वो भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा। साइलास अभी भी जिंदा है डीए के, वो बहुत ज्यादा बैटल करते बिकॉज अभी जो उन्होंने यू कैन से प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाले हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे उन्हें, बट ये देखिए उनके सामने से जा रहे ट्रिपल्टी, एंड यहाँ पे एक बुलेट अगर कनेक्ट हो गई एंड यहाँ पे इसी के बाद बात कर रहा था शायद वहाँ पे वो हील बैटल जो था वो फेल हो सकता है, बट यहाँ पे साइलास ने एक किल और कन्फर्म करा, एक एक पॉइंट मैटर करता है यहाँ पे। जी हाँ, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैटर करेगा, और मैटर की बात करें तो नावी को इस गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। साइलस आगे मूव करते हुए हमको नजर आ रहे हैं, रुक रुक के हील कर रहे हैं और फिर भागते हुए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आगे पहुंच जाए, आगे बढ़ जाए, जोन के अंदर सर्कल का एज ही छू दे और वहां से अपनी गेम को आगे बढ़ा पाए। अब ये देखिए RRQ ने अपने प्लेयर्स को रिवाइव करके तीन प्लेयर्स उनके पास आ चुके, टीम सीक्रेट जिनके पास दो प्लेयर्स है, लेकिन RRQ के अर्नी ने भागते हुए साइलस को स्पॉट आउट किया आउट ऑफ द मिडल ऑफ नोवेयर, उनको फिनिश ऑफ कर दिया। टीम सीक्रेट के आई शॉट्स ने यहाँ पे कोशिश करी शॉट्स फायर करके RRQ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी टीम सीक्रेट एक तरफ से, आई शॉट्स ने दो नॉक्स निकाले सीक्रेट जिन के प्लेयर आते दूसरी तरफ से, और ये गेम इसके पास से पूरी तरह से पलट दिए गए। अब ये रहेगा कोनिया पावर वर्सेस टीम सीक्रेट जिन के बीच का एक बैटल जो कि 2v2 की सिचुएशन में रहेगा अगर एक्सर हील कर लेते हैं तो। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे प्रोन होके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं वाइट, बट क्या केंजो उन्हें स्पॉट कर पाएंगे कि नहीं? यार ये फाइट की अगर हम बात करें, जोन पूरा के पूरा यहाँ पे TSJ के पास है, टीम सीक्रेट जेन और कुनीना पावर वो प्रोन होके आगे आने की जरूर कोशिश कर, बट ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब था वहां पे एक्सर के, एंड डैमेज भी दिया 50% के आसपास उनका उनकी हेल्थ है। कॉस्मोस पीछे से थोड़ा सा हील बैटल करते हुए नजर आ रहा है, वो उनके से बहुत ज्यादा पीछे है। ये फाइट 1v2 की होने वाली, क्या ये वही सेम रैंगल के मैच की तरह हो पाएगा? TSJ के केंजो उनके ऊपर ये पूरा भार नजर आएगा हम लोगों को। कॉस्मोस तो पीछे मेरे ख्याल से अब 2 या 3 फर्स्ट एड पॉप आउट कर पाएगा, एंड वो भागते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, भागते हुए तो हमें नजर आ रहे हैं और कोशिश यही है कि भाग के किसी तरह हाई ग्राउंड तक तो पहुंच पाए, लेकिन हाई ग्राउंड पे इनका इंतजार कर रहे हैं कैंग्सो के हाथ में एक नेड आ चुका है, नेड फेंका तो है बट आई थिंक ये थोड़ा सा ऑफ रहेगा, एंड यस इट इज अ बिट ऑफ डैमेज वहां पे पड़ा है कोनिना पावर्स के प्लेयर्स को, मोलोट ऑफ कर दिया गया, फॉल बैक करने की अपॉर्चुनिटी, कॉस्मोस पीछे हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं, कैंग्सो कोशिश कर रहे हैं कि गोलियों के साथ ही यहाँ पे मैच खत्म कर दे। पहला नॉक देखने को मिलता है, दूसरा मोलोट ऑफ घर की छत पे जाके गिरता है, केंजो के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सर को बाहर करने की, कॉस्मोस को कॉल आता है कि आप आगे बढ़िए ब्लू जोन से, केंजो एक 1v1 में गेम को ला चुके हैं, सामने कोरिना पावर के पास रिवाइव की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक्चुअली नो, कॉस्मोस जोन के अंदर आ चुके हैं, अगर आप देखेंगे जो 1v2 की फाइट थी केंजो के लिए वो अब 2v1 की हो चुकी है। अब TSJ का स्क्वाड एडवांटेज में, अब बस पुश करना है उन लोगों को और उनके ऊपर अब बस एक बार है, जैसे कि
एक प्लेयर को नॉक करना है, दैट मींस जो हम लोगों ने रैंगल में देखा, पहले नॉक करो एंड उसके बाद थोड़ा सा कवर लो एंड दूसरी साइड से पीक करके मारो, बट इतना आसान रहेगा नहीं इस वाले यू कैन से इस लेवल पे इतना आसान होता नहीं, बट किंग्स अभी भी ट्राई कर रहे हो शेक के राइट लेफ्ट जाके, बट एक्स वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, जंप एंड फायर कौन सा निकाल अगर एट द एंड टीएसजे के किंग्स जो थे उन्होंने ये फाइट एट द एंड निकाले और अकेले प्लेयर ने पूरी टीम को ऊपर चिकन डिनर की तरफ बढ़ा दिया एंड 5 किल अकेले के बाकी 3 प्लेयर के 0।